हाय, दिस इज रोहित राज एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑसम टीवी। सी ऑनेस्टली फीलिंग बहुत अच्छी है कि इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है ऑडियंस से, आप सब लोगों से। मुझे अभी भी ये समझ नहीं रहा कि जी इंजीनियरिंग और एक्टिंग का क्या वास्ता है। मैम, एक्चुअली मुझे बचपन से क्यूरियोसिटी बहुत है अबाउट टेक्नोलॉजी। एवरीथिंग आपको छोड़ देना है ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड एंड यू नीड टू नो हाउ वेल यू हैव परफॉर्म्ड ऑन द फर्स्ट डे। व्हाइल वॉकिंग इन, मेरे को नर्वसनेस थोड़ी थी कि आई एम working with such established actors, he my co-actors have helped me a lot. Even before my first take, Arjun Bhaiya was with me. कमाल की बात ये कि हमारे फिल्म में director had made sure कि किसी भी actors के personal tattoos बिल्कुल भी visible ना हो, क्योंकि जो हमारा title है mystery of the tattoo, वो जिस tattoo से related है, सिर्फ और सिर्फ पूरा focus उस पर होना चाहिए। तो इन द एंटायर फिल्म यू विल नॉट गेट टू सी एनी ऑफ माई पर्सनल टैटूज। इन द परसूट ऑफ योर ड्रीम्स, वेल एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। Hi, this is Aastha Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज हमारे साथ है रोहित राज, जिनको मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ congratulations for your debut film and बहुत time लगा दिया अपने screen पे आने के लिए। बचपन में आपको देखा था हमने and we have literally enjoyed all your roles until now. So Rohit, congratulations and welcome to Awesome TV. Thank you so much, Aastha. It feels good to be here. टीजर को जी इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है, जी म्यूजिक कंपनी ने डाला है, टीजर को इतना जी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं खुद सोच रही हूँ कि क्या है ये मिस्ट्री ऑफ टैटूज, तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। सी ऑनेस्टली फीलिंग बहुत अच्छी है कि इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है ऑडियंस से, आप सब लोगों से। एंड इफ द विशेस आर रियली गुड, देन हमारी फिल्म बहुत अच्छा भी करेगी आफ्टर इट रिलीजेस ऑन 1st September। So Rohit, usually what happens is when you create films like, you know, mystery of tattoo or something related to mystery, and at the end of the teaser or trailer, when, you know, audience are really keen to know, okay, now we want to know more, that is the time when you know that you have done, you know, justice to your subjects. And I was just reading the comment section, people were like, oh, Rohit back on screen and stuff like that. So have you read it? Gee, I did go through it and I'm really overwhelmed with the response. क्योंकि वी जस्ट लॉन्च्ड इट अनएक्सपेक्टेडली कि लेट्स सी हाउ द रिस्पांस इज गोना बी, एंड इतना सारा प्यार मुझे मिल भी रहा है लोगों से, तो या इट फील्स रियली गुड एंड वी ऑल आर वेरी होपफुल कि इतना अच्छा रिस्पांस अगर मिला है तो हमारी फिल्म जरूर अच्छा भी करेगी। रोहित, मैं आपको ये पूछना चाहूंगी, जी बॉलीवुड डेब्यू में इतना समय क्यों लग गया और वर यू एक्चुअली वेटिंग फॉर अ स्क्रिप्ट लाइक दैट, व्हाट इज इट? सी मैम, एक्चुअली आफ्टर माय डिड माय अर्लियर जोन व्हेन आई वाज डूइंग टीवी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, तो मेरा ये मानना है, इवन इनफैक्ट इन माय फैमिली का भी यही मानना है कि इन द परसूट ऑफ योर ड्रीम्स वेल एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आई डिड माय इंजीनियरिंग इन आईटी फील्ड, फिर उसके बाद मुझे लगा कि फॉर मास्टर्स आई शुड गो मोर टुवर्ड्स द फिल्म एक्टिंग पार्ट। तो एज मास्टर्स मैंने अपना डिप्लोमा इन फिल्म एक्टिंग कंप्लीट किया फ्रॉम बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो। फिर मैं पौंडीचेरी चला गया, वहां पर एक आदिशक्ति थिएटर है जहाँ मिस्टर विनय कुमार निमी के अंडर मैंने काफी काम किया, उनसे सीखा। And once I was completely sure कि अब मैं ready हूँ to face the big screen, तो तब मैंने अपना hustle शुरू किया। You know, the entire process of going through auditions, रामनगर जाना, कहाँ auditions हो रहे हैं वो देते रहना, going to casting directors, तो उसके बाद it so happens that right now I'm here, fortunately with God's grace ये film मेरे को मिली and everything went really well. Okay, that's amazing. But मुझे अभी भी ये समझ नहीं रहा कि इंजीनियरिंग और एक्टिंग का क्या वास्ता है। मतलब इंजीनियरिंग ही क्यों, आप तो मतलब ऐसे भी कंप्लीट कर सकते थे विद बीएमएम और एनी अदर कोर्स, बट व्हाट इज दिस विद इंजीनियरिंग? मैम, एक्चुअली मुझे बचपन से क्यूरियोसिटी बहुत है अबाउट टेक्नोलॉजी। तो इवन व्हेन आई वाज अ किड, कुछ घर में ऐसे टेक्निकल चीज है जो शायद खराब हो गई हो, तो यू नो उसको खोल लेना, देखना अंदर क्या है क्या नहीं है, हाउ यूजुअली किड्स आर। तो मुझे लगा इंजीनियरिंग वुड बी अ गुड फील्ड, एंड क्योंकि आईटी फील्ड एक ऐसी चीज है जो कभी इट्स नेवर स्टॉपिंग, इट्स ऑलवेज गोना ग्रो। एंड मुझे क्योंकि एक मैं थोड़ा टेक सैवी भी हूँ, ऑलवेज अबाउट कोडिंग, एप्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू लैपटॉप्स, न्यू फोन्स, तो मुझे लगा आईटी फील्ड एक ऐसी है जिसमें बहुत मुझे इंटरेस्ट था। सो आई जस्ट वेंट फॉर माई इंजीनियरिंग, कंप्लीटेड दैट, एंड नाउ एंटायर फोकस एंड एवरीथिंग माई हार्ट एंड सोल इज टुवर्ड्स सिनेमा। जी, बट हाउ डिड यू गेट दिस फिल्म? मतलब जैसे कि आपने कहा कि आपने बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं, जी, पर फिर भी ये फिल्म का जो प्रोसेस था वो कैसा था? जी, तो मैम एक्चुअली राइट आफ्टर कोविड एंडेड, जब सब कुछ शुरू धीरे धीरे हो रहा था, तो तब भी इतना ज्यादा ऑडिशंस हो नहीं रहे थे या उनकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, क्योंकि एवरीबॉडी वाज जस्ट रिकवरिंग एंड कमिंग आउट ऑफ इट। तो एक दिन ऐसे आरामनगर में घूमते घूमते वेरी क्लोज ऑडिशन, तो मैं वहां वॉक इन किया मैंने,
आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट की मोना ग्रुप हमारे प्रोड्यूसर्स जो है वो एक फिल्म बना रहे हैं, लुकिंग फॉर समवन टू लॉन्च एज न्यू. तो मैंने अपना वहां सीवी भेजा, उन्होंने मेरे फोटोज भेजे एंड डायरेक्टर इज लोकेटेड इन यूके. ओके तो मेरी उनसे जो भी ऑडिशन हुए, उनके फोटोज जब मेरे फॉरवर्ड हुए उनके पास, तो एवरीथिंग हैड एक्चुअली हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 9 months ओवर जूम कॉल्स. तो Oh मुझे my God! मुझे स्क्रिप्ट मिल जाती थी. How nervous were you that shayad you know if things don't fall in place and all because that's happening over a Zoom call and it's taking जी like 8 to 9 months. मैम, बट आई थिंक एज एक्टर्स मैं नर्वस नहीं था, क्योंकि आफ्टर गिविंग माय पार्ट, आफ्टर गिविंग माय ऑडिशन, एवरीथिंग आपको छोड़ देना है ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड एंड यू नीड टू नो हाउ वेल यू हैव परफॉर्म्ड एंड रेस्ट ऑल इफ इट फॉल्स इनटू प्लेस वेल एंड गुड, बट यू कैन नॉट टेक एवरी फेलियर टू योर हार्ट, यू हैव टू कीप मूविंग अहेड, कीप गोइंग अहेड. तो जब ये ऑडिशन चलते भी थे, मैंने कभी सोचा था नहीं कि इतना लंबा प्रोसेस क्यों हो रहा है, या फिर एम आई इन द शॉर्ट लिस्टेड पार्ट, इज इट गोना वर्क आउट नॉट. आई वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली विद माई ट्रूथ गिविंग ऑल दी ऑडिशंस, एंड वो भी ऑडिशन में भी काफी डायरेक्टर के साथ पूरी उनकी 10 लोगों की टीम होती थी, इवन द प्रोड्यूसर्स टू जॉइन इन. तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड सर आप सब लोग अपने स्क्रीन बंद कर दीजिए, जस्ट वॉच इट. तो मैं उनके साथ ऑडिशन देता था, दे यूज्ड टू सेंड मी द स्क्रिप्ट एवरी न्यू सीन, sometimes from the script and sometimes not from the script, just to see meri range kitni hai. And once the director was completely convinced, that's how we went ahead and finally maine ye project sign kiya. So it all just worked out in the end. Yeah, at the end, you know, results matter and just the teaser aa chuka hai. Aur teaser mein वैसे आपका बहुत बड़ा part है, मैंने देखा teaser and I Thank was you like, so much. wow, he might be feeling so good, his family might be feeling so good. कैसा लग रहा है इतना prominent part and screen space भी आपने इतने सारे लोगों के साथ share किए, कैसा लग रहा है? Ma'am, in terms of screen space, I am very lucky to have had Daisy as my co-star, Arjun ji, Manoj ji, Amisha ji, because on the first day while walking in, मेरे को nervousness तो थोड़ी थी कि I am working with such established actors, you know, I need to prove it to them, I need to give it my best. But once I walked in, they were so warm, so welcoming. They did not make me feel like I'm a newcomer. Because I remember every break, lunch break ho ya evening break ho, Arjun bhaiya used to just call me, make me sit with him, have food. And you know, we used to go through the scenes. Even Daisy and me used to sit and go through every scene. Ki yaar, isko aisa karenge to zara acha ho jayega. It will look much better. So they have been very helpful towards me, which was very unexpected for me also. And it was such a great feeling to work with them in this way. So I think everything just sometimes feels unreal, but I'm really happy. And you know, I believe that jo hota hai, sab achche ke liye hota hai. And everything, it was written to, it was bound to happen. So it all happened. But I'm sure there might be performance pressure. I am damn sure. Because, you know, when you're acting with Arjun Rappan, and I think he has a special appearance, right? And even Amisha. And Amisha ki to Gadar 2 bhi, aapko to pata hi hoga ki tab to aane hi wali hogi Gadar 2. And itni bhi assurity hogi ki film chalne wali hai. ठीक है, तो एक परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है उस पे आपने कैसे डील किया? मैम, परफॉर्मेंस प्रेशर के डील करने की बात जब आती है, तो रियली मैंने जो आपको कहा कि माय को एक्टर्स हैव हेल्प मी अ लॉट, इवन बिफोर माय फर्स्ट टेक अर्जुन भैया वाज विद मी एंड इज लाइक आर यू डन विद द सीन, आई लाइक या देन लेट्स गो थ्रू इट. सो वी वेंट थ्रू इट एंड इज लाइक यू नो इफ यू ट्वीक इट दिस वे अ लिटिल करके देख. तो इन दैट वे मेरी जितना भी प्रेशर लेके मैं आया था वो सब उन्होंने हटा दिया. तो आई थिंक इट वॉज नॉट वेरी मच स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट एज वेल, क्योंकि फिल्म का जो क्रू भी था, व्हेन इट वॉज शॉट इन यूके, वी हैड जस्ट कम आउट ऑफ कोविड, सो बिफोर द शूट फॉर 10 days वी ऑल वर आइसोलेटेड एनीवे बिकॉज ऑफ द रूल्स ऑफ द यूके गवर्नमेंट. तो उसमें हम सबकी बॉन्डिंग भी बढ़ी, एंड क्योंकि क्रू इतना कम था, एवरीबडी वॉज वर्किंग लाइक अ फैमिली टूगेदर, यू नो, हर किसी को हर कोई हेल्प कर रहा था. इवन हमारे डायरेक्टर की ये पहली फिल्म है, सो एवरीबडी वॉज सो मच इन्वॉल्व इन एवरीथिंग कि सब चीजें बराबर से हो रही है कि नहीं, अच्छा उनको इसकी जरूरत है हेल्प कर देते ऐसा सबकी. तो इट वॉज सच अ नाइस एनवायरमेंट, इट वॉज नॉट लाइक द यूजुअल सेट्स व्हिच आई हैव सीन एज अ किड व्हेन आई यूज्ड टू डू वर्क इन टीवी. तब इतना क्राउड होता है, क्रू होता है इतने सारे, बट यार इतने कम लोग के साथ हमने ये फिल्म बनाई है, तो इट वॉज रियली वेरी perspective changing environment. Okay, but आपने बहुत पहले like you know you worked as a child artist, so तब जो आप shoot करते थे और अब जो आप shoot करते हो उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है. What differences do you see? मैम देखिए, बचपन में तो कुछ इतना knowledge होती नहीं थी कि acting क्या है क्या नहीं है, because I was merely 10 or 12 years old. उस time होता था कि एक
शौक है, बड़ा मजा आता है कैमरा पे हम टीवी में दिखेंगे, ये सब होगा. तो हर एक किड हूएवर इज इन इंडस्ट्री गोस थ्रू इट बिकॉज ही फील्स दैट लव एंड एक उनको एक चाहत होती है करने की. बट जब मैंने अपना ग्रेजुएशन सब कंप्लीट किया, अपनी एक्टिंग की स्टडीज कंप्लीट की, वंस आई गॉट टू नो कि एक्टिंग है क्या, क्या क्राफ्ट है उसके पीछे, क्या टूल्स है, क्या टेक्निक्स है. जैसे कि मैं माइजनर टेक्निक का बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर हूं. मैं अपना जितना भी मैंने सीखा है वो इज अबाउट द माइजनर टेक्निक एंड मैं वही चीज अप्लाई करता हूँ अपने काम में. तो अब जब हम But किसी how चीज do you को use that technique? Because I जी don't know मैम, much तो about उसका that. एक प्रोसेस होता है. व्हेन यू गेट अ स्क्रिप्ट, व्हेन यू अप्रोचिंग अ सीन, हाउ यू हैव टू अप्रोच इट एज योर कैरेक्टर, हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द सीन एंड व्हाट कुड बी द परफॉर्मेंस इन द सीन. तो वो सब हमारे टूल्स के हिसाब से बेस्ड होता है. तो अब हर चीज को अप्रोच करने का एक टेक्निकल तरीका भी इन्वॉल्व है जिससे परफॉर्मेंस ट्रुथफुली लगे. क्योंकि एज एन एक्टर मैं कितना ट्रुथफुली अपना रोल प्ले कर पा रहा हूँ, मुझे सिर्फ उससे मतलब है. पर जैसे कि अभी आपके कॉन्टैक्ट्स जो है, ठीक है, जब आप एज ए जी चाइल्ड एक्टर थे तब आपके कॉन्टैक्ट्स डिफरेंट होंगे, उसके बाद क्या ये कॉन्टैक्ट्स कैरी फॉरवर्ड हुए थे लाइफ में, या जो एक्टर्स फ्रेंड्स थे एंड ऑल वो सब बैक सीट ले जी लिया था उन्होंने, व्हाट वाज इट? मैम, जब मैंने शुरू किया आफ्टर एवरी ऑफ माय स्टडीज एंड एवरीथिंग, तब तो सदा पूरी इंडस्ट्री चेंज हो चुकी थी. यस, ऑफ कोर्स, हुएवर क्योंकि हु सीरियल कितने या नए आ चुके हैं, सब इतना एग्जैक्टली एंड इट फास्ट हैड चेंज हो गया. ऑलरेडी बीन ओवर ऑलमोस्ट 15 years नाउ. तो उस समय मेरे जिन्हें मैं जानता भी था, जो कोऑर्डिनेटर्स हुआ करते थे उस टाइम, अब कास्टिंग डायरेक्टर्स आ चुके थे, यू नो पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका था. तो आई वेंट थ्रू इट लाइक हाउ एवरीबडी गोज थ्रू इट. सब कास्टिंग के पास जाना, अपना इंट्रोडक्शन देना कि आप न्यू कमर हो, शुरू कर रहे हो. तो वो पूरे प्रोसेस होते होते ही मैंने किया है. देयर वाज नथिंग डिफरेंट बिकॉज नो कॉन्टैक्ट्स वर अवेलेबल विच वर 15 years अगो. या सो इट वॉज ऑल्सो अ वेरी नाइस फीलिंग, क्योंकि सब कुछ आप एज लाइक फ्रॉम स्क्रैच शुरू करते हो. तो देयर इज नथिंग, नो काइंड ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस कि यार नहीं उनसे पूछू, कोई है ही नहीं. जब आप शुरू कर रहे हो स्क्रैच से, यू हैव नथिंग टू फियर अबाउट. तो विदाउट एनी फियर आई जस्ट वेंट थ्रू इट, आई जस्ट वेंट फॉर इट. And you know, title is also very catchy. So I want to know that mystery of tattoos, जो title है, उस हिसाब से जी have you inked? आपके पास कोई tattoo है? मैम, पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ टैटूज. आई हैव ऑलमोस्ट लाइक फोर एंड फाइव टैटूज. या कमाल की बात ये कि हमारे फिल्म में डायरेक्टर हैड मेड श्योर कि किसी भी एक्टर्स के पर्सनल टैटूज बिल्कुल भी विजिबल ना हो. क्योंकि जो हमारा टाइटल है मिस्ट्री ऑफ द टैटू, वो जिस टैटू से रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस उस पर होना चाहिए. तो इन द एंटायर फिल्म यू विल नॉट गेट टू सी एनी ऑफ माई पर्सनल टैटूज. अच्छा, बट कैन वी सी योर पर्सनल टैटूज, मतलब जो अगर एविडेंट बाहर है, आई कैन सी वन आई थिंक आपके हैंड पे. सो इट्स जस्ट अ ब्लैक स्ट्राइप. इट व्हाट जस्ट डज दैट मीन? इट रिप्रेजेंट्स लाइक नोबडी इज कंप्लीट. देयर इज ऑलवेज अ वॉइड इन समवन एंड यू हैव टू कीप वर्किंग एंड एमिंग टुवर्ड्स ट्राइंग टू एम फॉर परफेक्शन इन ऑर्डर टू बी गुड एंड बेटर देन यू वर. देन आई हैव अ पीकॉक फेदर, अ पांडा, आई हैव अ स्मॉल क्राउन ओवर हियर. सो दीज आर लाइक ऑल जस्ट समथिंग अबाउट मी. जी ओके, सो आई ऑलवेज थिंक दैट यू, जब हम टैटूज कराते हैं और हमारे शरीर में इंक होता है वो चीज, तो बहुत मीनिंगफुल होनी चाहिए वो चीज. तो आपकी जी मिस्ट्री तो हमने जान ली है, पर रियल जी मिस्ट्री ऑफ टैटूज जानने के लिए हमें जी एक्चुअल में देखना पड़ेगा मिस्ट्री ऑफ टैटूज. एंड ऑसम टीवी की ऑसम ऑडियंस जो आपको देख रही है, उन्हें क्या मैसेज जी देना मैम, चाहेंगे आप? उनके लिए मैसेज यही होगा कि मैं एक न्यू कमर हूं एंड मुझे आप सबकी ब्लेसिंग्स एंड विशेस चाहिए. हमने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है जिससे कभी भी कोई ऑडियंस बिल्कुल भी बोर नहीं होगी. तो प्लीज 1 सितंबर को आप सब थिएटर्स में जाइए, हमारी फिल्म दीजिए, देखिए एंड प्लीज मुझे अपना सारा सपोर्ट एंड प्यार दीजिए. जी Great. Thank you so much. It was simply, simply awesome having a conversation with you. And थैंक thank यू you for सो मच joining one सेविया. and थैंक only with Aastha Tripathi. यू आस्था, इट वॉज गुड टू टॉक टू यू.